गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आवर टूडेज टॉपिक इज टैक्सोनॉमिकल एड्स, पेज नंबर 11 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक. द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज इज असेंशियल एंड इज द प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिकल स्टडीज. दीज आर ऑल्सो फंडामेंटल टू स्टडीज एंड असेंशियल फॉर ट्रेनिंग इन सिस्टमैटिक्स. It is used for classification of an organism, and the information gathered is also stored along with the specimens. In some cases, the specimen is preserved for future studies. Biologists have established certain procedures and techniques to store and preserve the information as well as the specimens. Some of these are explained to help you understand the usage of these aids. In this, we will study the aids which are used in taxonomy. In this, we will study herbarium, botanical gardens, museums, zoological parks, in which specimens or animals are preserved so that we can study their characters. First is herbarium. Herbarium is a storehouse of collected plants. Plant specimens that are dried, pressed and preserved on sheets. Herbarium क्या होता है? हम कुछ plants के पत्तों को या कुछ plants को collect करते हैं, फिर उसको paper में थोड़ी देर press करके रखते हैं ताकि वो dry हो जाए. उसके बाद उसको एक sheet के ऊपर हम चिपका देते हैं, drying sheets पे. Sheets का एक size होता है particular, उसके ऊपर चिपका कर उसको प्रिजर्व करके रख लेते हैं. तो ये हमारा हर्बेरियम हो जाता है. ये हम प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं. फर्दर दीज शीट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. दीज स्पेसिमेंस अलोंग विद देयर डिस्क्रिप्शन ऑन हर्बेरियम शीट्स बिकम अ स्टोर हाउस और रिपोजिटरी फॉर अ फ्यूचर यूज. अब उस हर्बेरियम शीट के ऊपर उसका जो प्लांट स्पेसिमन है उसकी सारी डिस्क्रिप्शन लिख दी जाती है ताकि वो हमारे फ्यूचर यूज में रेफरेंस में काम आएगा. द हर्बेरियम शीट्स ऑल्सो कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश लोकल एंड बोटेनिकल नेम्स, फैमिली, कलेक्टर्स नेम एट्सेट्रा. हर्बेरिया ऑल्सो सर्व एज क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिकल स्टडीज. नेक्स्ट इज बोटेनिकल गार्डन्स. These specialized gardens have collections of living plants for reference. Herbarium में तो हमने उसको तोड़ के सुखा कर फिर शीट पर लगाया था, पर botanical gardens में वो living plants रखे हैं. Plant species in these gardens are grown for identification purpose and each plant is labeled indicating its botanical scientific name and its family. और हर plant के पास उसका नेम, उसकी किस फैमिली को बिलोंग कर रहा है, वो सब डिस्क्रिप्शन लिखी होती है. द फेमस बोटेनिकल गार्डन्स एट द क्यू इन इंग्लैंड, इंडियन बोटेनिकल गार्डन इन हावड़ा इंडिया, एंड द नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ इन इंडिया. हेयर दीज बोटेनिकल गार्डन्स आर सिचुएटेड. नेक्स्ट इज म्यूजियम. बायोलॉजिकल म्यूजियम्स आर जनरली सेट अप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सच एज स्कूल्स एंड कॉलेजेस. Museums have collection of preserved plants and animal species for study and reference. Museum में क्या है, plants भी हो सकते हैं और specimens भी हो सकते हैं, और उनको preserve करके रखा जाता है. एक solution में डाल लो, solution होता है formalin या formaldehyde का solution है, जिसमें इन plants या animals को preserve करके रखते हैं. अपने school की lab में भी, laboratory में भी हमने plants और animals preserve करके रखे हुए हैं. Specimens are preserved in the containers or jars in preservative solutions. Plant and animal specimen may also be preserved as dry specimens. Insects are preserved in insect boxes after collecting, killing and pinning. Insects or butterfly, ये इनको हम solution में नहीं रखते, इनको हम directly pin करके boxes में रखते हैं. Larger animals like birds and mammals are usually stuffed and preserved. जो birds हैं या और mammals हैं थोड़े बड़े हैं, तो उनमें से अंदर के उसके सारे organs निकाल के और सिर्फ उसका जो बाहर का फर रख के और बीच में उसकी stuffing कर देते हैं. तो अपने पास एक stuffed bird या animal मिल जाता है. अपने lab में अपने parrots,
पिजन, ये क्लास 9th में आपने देखा होगा, एक पैरट का स्पेसिमन पड़ा है और एक पिजन का है। तो उसमें क्या है, उसके अंदर के सारे ऑर्गन्स निकाले हुए हैं, उसके अंदर कॉटन की स्टफिंग करके उसको फिर बंद किया गया है। म्यूजियम ऑफन हैव कलेक्शंस ऑफ स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स टू। नेक्स्ट इज जूलॉजिकल पार्क, जिसको हम जू भी कहते हैं, आप लोगों ने कहीं विजिट भी किया होगा जू, वहाँ पे एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है। दीज आर द प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट्स अंडर ह्यूमन केयर विच एनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर। ऑल एनिमल्स इन अ जू आर प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल द कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट्स। चिल्ड्रन लव विजिटिंग दीज पार्क्स कॉमनली कॉल्ड जू। नेक्स्ट इज की। की इज अनदर टैक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। बेटा की में क्या है कि दो स्टेटमेंट्स होती हैं, एक कि वह करेक्टर प्रेजेंट है और दूसरी स्टेटमेंट होगी ये प्रेजेंट वो ये करेक्टर एब्सेंट है। तो दोनों कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स होंगी, इन हर स्टेटमेंट को बोलते हैं लीड। तो दो हो गए, दो लीड हो गई, दो स्टेटमेंट्स हो गई, उस स्टेटमेंट को हम लीड कह रहे हैं और दोनों कंट्रास्टिंग है। एक स्टेटमेंट कहेगी कि उसमें वो करेक्टर प्रेजेंट है और दूसरी बोलेगी वो करेक्टर एब्सेंट है। तो इस तरह से हम उस ऑर्गेनिजम्स के जितने भी करेक्टर्स हैं उनका एक बना लेंगे, की बना लेंगे, ताकि हमें उसके बारे में पढ़ने के बारे में, उसके बारे में जानने के लिए ज़्यादा पता चले। द की आर बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग करेक्टर्स जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट। कपलेट मीन्स जो दो स्टेटमेंट्स हैं, पेयर ऑफ करेक्टर्स हैं, दो कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स हैं, उनको कहते हैं कपलेट। इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन टू ऑपोजिट ऑप्शंस। दिस रिजल्ट्स इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर। उनमें से एक के लिए आप येस होगा और दूसरे के लिए नो। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड अ लीड। हर एक स्टेटमेंट को बोलेंगे लीड, दोनों स्टेटमेंट्स को इकट्ठा बोलेंगे कपलेट, और ये पूरा है की अरेंजमेंट। सेपरेट टैक्सोनॉमिकल कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी सच एज फैमिली जीनस एंड स्पीशीज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस। कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए डिफरेंट कीज बनाई जाती हैं और इस तरह से उसके बारे में स्टडी किया जाता है, उसके करेक्टर्स को। फ्लोरा मैनुअल्स मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स आर सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस। दे ऑल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ अ गिवन एरिया। अब बेटा फ्लोरा मैनुअल और मोनोग्राफ्स में क्या डिफरेंस है? फ्लोरा में क्या है, एक एरिया में जो प्लांट्स हैं ये उसके बारे में बताएगा। फ्लोरा क्या करेगा, एक एरिया में जो गिवन एरिया है उसमें कौन से उस प्लांट्स का हैबिटेट कहाँ है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन उस प्लांट का कहाँ है ये उसके बारे में बताएगा फ्लोरा। मैनुअल्स क्या है, एक एरिया में कितने ज़्यादा कितनी डिफरेंट स्पीशीज़ हैं उसके बारे में बताएगा। सो मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज़ फाउंड इन एन एरिया। उस एरिया में कितनी स्पीशीज़ हैं उसके बारे में मैनुअल में पता चलेगा। मोनोग्राफ्स क्या हैं, मोनोग्राफ्स कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन। मोनोग्राफ में सिर्फ एक ही टैक्सॉन के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो हमने तीनों में क्या डिफरेंस पढ़ा, फ्लोरा है कि एक एरिया में कौन से प्लांट्स हैं उनके बारे में पता चलेगा, फ्लोरा में एक एरिया में गिवन हैबिटेट में कौन कौन से प्लांट हैं उसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है वो बताएगा। मैनुअल्स में एक एरिया में डिफरेंट कितनी वैरायटी की स्पीशीज़ हैं उसके बारे में पता चलेगा, और मोनोग्राफ में एक टैक्सॉन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। विद दिस आवर चैप्टर इज़ कम्प्लीट। थैंक यू।